सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गेट सेट जॉब। एंड आज के वीडियो में तो मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से निकली हुई कुछ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि पंजाब नेशनल बैंक में काफ़ी सारी वैकेंसीज आउट हैं, बल्क में हायरिंग चल रही है। जो अप्लाई करने की लिंक है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा, आप डायरेक्टली वहां से जाके अप्लाई कर सकते हो। फिलहाल के लिए इस जॉब की जो होल डिस्क्रिप्शन है वो आप लोगों से डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। क्या क्या की पॉइंट्स रहने वाले हैं, क्या क्या डिस्कशन होने वाला है, उनके की पॉइंट्स मैं अभी डिस्कस कर लेता हूँ आपसे। तो यहाँ दोस्तों मैं आपको बताऊँगा, फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या फ्रेशर्स और एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं या फिर केवल एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट्स के लिए ही ये जॉब रहने वाली है। साथ ही साथ क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है इस जॉब से संबंधित, मतलब अगर आप 10th पास हैं, 12th पास हैं या फिर आप एक ग्रेजुएटेड हैं तो क्या आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ दोस्तों बताऊंगा, मान लीजिए आप एलिजिबल हैं और आपने अप्लाई करके इंटरव्यू क्रैक कर दिया। अब दोस्तों बात आती है जॉब लोकेशन की, कि बहुत लोग जो मेरे जैसे लोग हैं वो ये चाहते हैं कि मैं अपनी सिटी में जॉब करूं या फिर नियर बाय ब्रांच में ही पोस्टेड हो जाऊं। तो बहुत लोग आउट ऑफ सिटी या फिर आउट ऑफ स्टेट नहीं जाना चाहते, अपने नियर बाय ब्रांच में ही वो जॉब करना चाहते हैं। तो क्या लोकेशन रहेगी यहाँ पे, वो एक बहुत बड़ा इशू हो सकता है कुछ लोगों के लिए। तो यहाँ पे दोस्तों वो इशू सॉल्व करूंगा आपका, साथ ही साथ बताऊंगा कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे यूज़ करके हो सकता है कि आपको जॉब अपनी सिटी में ही मिल जाए। आई एम नॉट श्योर, लेकिन हाँ हो सकता है। और इसके साथ दोस्तों बताऊंगा सैलरी क्राइटेरिया आपका क्या रहने वाला है, कितनी सैलरी मिनिमम मिलेगी, साथ ही साथ आप मार्केट कैसे कैप्चर करोगे और मार्केट कैप्चर करने के साथ साथ आप कितना इंसेंटिव्स क्रिएट कर सकते हो, कितना परसेंट इंसेंटिव्स क्रिएट कर सकते हो। बिकॉज इंसेंटिव अगर आप क्रिएट करते हो तो वो टोटली आपका होता है, बाकी आपके प्रॉफिट्स पे डिपेंड करता है कि आप कंपनी को या बैंक को कितना प्रॉफिट करवा रहे हो, उस अकॉर्डिंग आपके प्रमोशंस भी होते हैं। तो होल डिस्क्रिप्शन डिस्कस करने वाला हूँ आपसे इस वीडियो में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा जो बैंकिंग सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करता हूँ ये वीडियो। दोस्तों मैं आप लोगों को लेके आ गया हूँ अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे। यहाँ पे दोस्तों आपको सबसे पहले अपना गूगल क्रोम ओपन कर लेना है। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद आपको एक न्यू टैब ओपन करनी है और मेरे द्वारा दी गई लिंक जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में आपको अवेलेबल रहेगी, उस पर क्लिक करना है। दोस्तों क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। इसके बाद दोस्तों मैं सबसे पहले आपसे डिस्कस करना चाहूँगा, ये जो जॉब है वो PNB MetLife की तरफ से, पंजाब नेशनल बैंक MetLife की तरफ से, जो कि एक इंश्योरेंस सेक्टर है। यहाँ दोस्तों मैं आपको बता दूँ काफ़ी सारी वैकेंसीज यहाँ पे आउट हैं। आप यहाँ देख पा रहे हो कि 3 दिन पहले यहाँ पे ये वैकेंसी यहाँ पे पब्लिश की गई है, मतलब अभी काफ़ी टाइम नहीं हुआ है यहाँ पे, ना ज़्यादा काफ़ी एप्लीकेशंस आए होंगे। तो एक बहुत ही कम टाइम में आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, अपनी एप्लीकेशन सेंड कर सकते हो, जिससे हो सकता है बहुत ही कम टाइम में आपकी CV या एप्लीकेशन शॉर्टलिस्ट होकर आपको यहाँ से कॉल भी आ जाए। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे मैं बता दूँ कि जो पोजीशन रहने वाली है वो ARM और RM दोनों की पोजीशंस रहने वाली है। ARM मीन्स एरिया रिलेशनशिप मैनेजर और RM मीन्स रिलेशनशिप मैनेजर। बहुत लोग इनका फुल फॉर्म जानते होंगे, लेकिन जो नहीं जानते हैं, जो फ्रेशर्स हैं उनको मैंने बता दिया। तो रिलेशनशिप मैनेजर की पोस्ट रहने वाली है। दोस्तों रिलेशनशिप मैनेजर का काम क्या होता है पहले तो ये डिस्कस कर लेता हूँ आपसे। दोस्तों रिलेशनशिप मैनेजर, जैसे कि नाम से ही शो हो रहा है कि रिलेशनशिप, आपको अपने कस्टमर से रिलेशन बिल्ड करके रखना होगा ताकि इन फ्यूचर वो आपकी कंपनी या फिर आपके बैंक के प्रोडक्ट्स जल्दी ही परचेज करें, जिससे बैंक को प्रॉफिट हो, साथ ही साथ आपके इंसेंटिव्स में भी प्रॉफिट हो। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि एरिया रिलेशनशिप मैनेजर और रिलेशनशिप मैनेजर क्या होता है। दोस्तों एरिया रिलेशनशिप मैनेजर को एक एरिया प्रोवाइड कर दिया जाता है कि आपको ये एरिया देखना है, इस एरिया के पर्टिकुलर कस्टमर से आपको रिलेशनशिप बिल्ड करना है और एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करना है। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत लोग ये समझते हैं कि रिलेशनशिप मैनेजर का काम सिर्फ कस्टमर से ही रिलेशन बिल्ड करना होता है, हालांकि ऐसा नहीं है। आपको अपने सीनियर से भी रिलेशन अच्छे करके चलना होगा अगर आप एक कंटिन्यूस जॉब चाहते हो तो, बिकॉज प्राइवेट बैंक में क्या हालात हैं आप भी समझ रहे हो। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा जो डिपार्टमेंट यहाँ पे रहने वाला है वो दोस्तों टोटल इंश्योरेंस का डिपार्टमेंट यहाँ पे रहने वाला है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो सब डिपार्टमेंट है वो है PNB वर्टिकल का। इसके बाद रिपोर्टिंग टू आपको टेरिटरी मैनेजर और जो सर्कल मैनेजर है, आपको डेली टू डेली रिपोर्ट करना रहेगा अपने टेरिटरी मैनेजर या फिर अपने सर्कल मैनेजर से, जो कि दोस्तों बैंक में ही होते हैं और आपको ईजिली वो रिपोर्ट्स क्रिएट करके आपको आप दे सकते हैं उनको।
और यहाँ पे दोस्तों अगर सैलरी की मैं बात करूँ तो सैलरी दोस्तों यहाँ पे रेंज रहने वाली है 2 लाख टू 3.50 लाख। मीन्स यहाँ पे आपके स्किल्स आपके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करेगा कि आप कितने सैलरी आपकी स्किल्स कितनी सैलरी के लायक है, मतलब आपको कितना पे किया जाना चाहिए पीएनबी की तरफ से। साथ ही साथ दोस्तों मैंने एक कीवर्ड बोला था आपको कि ये गवर्नमेंट जॉब है या प्राइवेट, दोस्तों ये कम्प्लीटली प्राइवेट जॉब रहने वाली है बिकॉज यहाँ पे आपको इंश्योरेंस सेक्टर में हो रहा है एक सेल्स की जॉब के लिए आपकी पोस्टिंग हो रही है। अगर आपकी पोस्टिंग ऑपरेशन जॉब के लिए हो रही होती, मीन्स अगर आप क्लर्क कैशियर टेलर ऐसी जॉब्स के लिए आप जा रहे होते तो वो यहाँ पे आपकी परमानेंट गवर्नमेंट जॉब होती। परमानेंट जॉब ये भी है बट ये प्राइवेट सेक्टर में है। साथ ही साथ दोस्तों आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे कि एक्सपीरियंस यहाँ पे रिक्वायर्ड है, 2 साल से 5 साल का एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए। अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है, अगर आप फ्रेशर कैंडिडेट हो तो ये वैकेंसी आपके लिए नहीं है। और यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूँ तो कोई भी ग्रेजुएट या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन यहाँ पे रिक्वायर्ड है। यहाँ पे अगर आप इंटर पास हैं तब भी आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। साथ ही साथ दोस्तों इसको यहाँ पे मैं लोकेशन की अगर बात करूँ तो यहाँ पे लोकेशन दोस्तों यूपी की रहने वाली है। यूपी में लोकेशन आपको देख भी पा रहे हैं, इलाहाबाद कानपुर और वाराणसी की लोकेशन यहाँ पे अलॉट की जाएंगी। साथ ही साथ दोस्तों मैंने यहाँ पे आपको बोला था कि अगर आप अपनी सिटी में जॉब पाना चाहते हैं तो क्या करें। दोस्तों यहाँ पे आपको करना क्या है, आपके नियर बाई ब्रांच में जाना है और वहाँ पे पर्सनली सीवी सबमिट करनी है, या अगर आपकी कोई रेफरेंस है तो आप उनके थ्रू अपनी सिटी में जॉब पा सकते हैं। दोस्तों अपनी सिटी में जॉब पाने का यही एक रास्ता है, अदरवाइज़ आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का यूज़ करके अपनी सिटी वहाँ के फ़िल्टर में अपनी सिटी डाल के अगर वहाँ पे वैकेंसी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों यही दो वेज़ हैं अपनी सिटी में जॉब पाने के, अदरवाइज़ जो मैंने बोला आप उन सिटीज़ में उन लोकेशन पे जॉब इजीली पा सकते हो। साथ ही साथ दोस्तों सैलरी का मैंने बता दिया। मार्केट का दोस्तों क्या है कि मार्केट को आपके विज़िट करना होगा। विज़िट करने के बाद आपके रिलेशनशिप पे और रिलेशन पे डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी मार्केट इजीली कैप्चर कर लेते हो और एक अच्छा खासा एक ह्यूज इंसेंटिव्स अपनी सैलरी में ऐड कर सकते हो। साथ ही साथ दोस्तों मैंने यहाँ पे आपको बता दिया था कि ये प्राइवेट जॉब ही रहने वाली है, सेल्स डिपार्टमेंट ही रहने वाला है क्योंकि इंश्योरेंस सेक्टर भी एक सेल्स सेक्टर ही होता है। सो यहाँ पे अभी भी अगर आपका कोई डाउट रह गया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक पेस्ट कर दूंगा। आप मुझे डायरेक्टली वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मैं वहाँ आपको रिप्लाई दे दूंगा। इसलिए अभी भी दोस्तों अगर कोई डाउट हो तो उसका भी मैंने सोल्यूशन दे दिया आपको, आप कैसे अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं मुझसे क्वेश्चन करके। साथ ही दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू। ऐसे ही जॉब रिलेटेड वीडियोस, बिजनेस आइडिया और टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।